नमस्कार, मैं हूं नरेश मिश्र, झीरम हमले का वो पहला गवाह जिसने सबसे पहले इस भयानक हमले की तस्वीरें देश और दुनिया के सामने रखी। इन तस्वीरों को ही देख के लोगों को ये अंदाजा हो पाया कि क्यों आखिर माओवादियों को देश की आंतरिक सुरक्षा में सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। पच्चीस मई 2013 का दिन इतिहास में देश में हुए सबसे बड़े नक्सल हमले के रूप में दर्ज है। आज भी इस हमले से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने बाकी हैं। कई ऐसी गुत्थियां हैं जिनके जवाब के लिए जांच पर जांच चल रही है। इन 9 सालों में इस हमले के बाद बस्तर में क्या कुछ बदला और जांच से क्या कुछ नतीजे आए, आज हम इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। जब एम्बुश की चपेट में आई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा, एक बड़ा विस्फोट और फिर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का काफिला ठीक 3:30 पर सुकमा और बस्तर जिले की सरहद से लगे झीरम घाट में दाखिल होता है। चंद किलोमीटर के सफर के बाद अचानक ही एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ धूल और बारीक गिट्टी का गुबार आसमान छूने लगता है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं 25 मई 2013 को, जैसे ही परिवर्तन यात्रा का काफिला माओवादियों के एम्बुश में दाखिल हुआ, ठीक इसी जगह पर वो पहला आईईडी ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट की चपेट में वो गाड़ी आई जो नंद कुमार पटेल की गाड़ी से बिल्कुल लगकर चल रही थी। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि गाड़ी उछल कर कई 100 मीटर दूर गहरी खाई में जा गिरी। बाकी हमलों से कैसे अलग था ये हमला? झीरम घाट में माओवादियों द्वारा किया गया हमला नक्सलियों के आम हमलों से कहीं ज्यादा सुनियोजित था और खतरनाक भी। इतना खतरनाक कि मौके पर मौजूद कांग्रेस काफिले में शामिल सुरक्षा गार्डों को भी ठीक तरह से जवाबी कार्रवाई का मौका नहीं मिला। बावजूद इसके सुरक्षा कर्मियों ने नक्सलियों की गोलीबारी का बराबर जवाब दिया। जब चौतरफा गिरा नेताओं का काफिला, हो रही थी गोलियों की बौछार और फिर अब तक कांग्रेसियों की परिवर्तन यात्रा का काफिला माओवादियों के एम्बुश में चौतरफा घिर चुका था। लगातार गोलियों की बौछार चारों तरफ से हो रही थी और किसी को भी बचने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। माओवादी गोलियां चला रहे थे और बीच बीच में आत्मसमर्पण करने के लिए भी चिल्ला रहे थे। जैसे ही गोलियों की बौछार कुछ धीमी हुई, माओवादियों ने सबसे पहले नंद कुमार पटेल, कवासी लखमा, दिनेश पटेल और उनके सुरक्षा गार्ड को बंधक बना लिया। कैसे टारगेट में आए बस्तर टाइगर? जब गाड़ी से उतरे महेंद्र कर्मा और फिर अब तक माओवादी ये जान चुके थे कि परिवर्तन यात्रा की काफिला में महेंद्र कर्मा भी मौजूद है, लिहाजा गोलीबारी करते हुए माओवादी बार बार कांग्रेसियों को आत्मसमर्पण करने की बात कहने के साथ साथ महेंद्र कर्मा का नाम भी पुकार रहे थे। दूसरे चरण में भी कुछ लोगों ने गोलीबारी की रफ्तार धीमी होने के बाद आत्मसमर्पण किया। बुलेट प्रूफ गाड़ी के भीतर बैठे महेंद्र कर्मा भी ये जान चुके थे कि इस एम्बुश से बच निकलना मुश्किल है और अगर ज़्यादा देर हुई तो माओवादियों की अनियंत्रित गोलीबारी में और भी निर्दोष लोगों की जान जा सकती है। लिहाजा महेंद्र कर्मा ने सबसे कठिन फैसला किया। उन्होंने खुद गाड़ी से उतरकर कहा, मैं महेंद्र कर्मा हूं, गोलीबारी रोको। वो जगह जहां बंधक बने कई दिग्गज कांग्रेस नेता, अचानक फिर चली गोली और फिर मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ठीक इसी जगह पर महेंद्र कर्मा को माओवादी बंधक बनाकर लेकर आए थे। जैसे ही उनकी पहचान हुई
वैसे ही माओवादियों के एक दस्ते ने बड़ी फुर्ती से उन्हें पकड़ लिया और उनके हाथ पीछे की तरफ बांध दिए। इसके बाद माओवादी अपने साथ उन्हें उस जगह पर लेकर चलने लगे जिस जगह पर दूसरे कांग्रेसियों को बंधक बनाकर रखा गया था। पर इस बीच अचानक ही एक माओवादी ने पीछे से उन पर गोली चला दी। जैसे ही ये गोली महेंद्र कर्मा को लगी, वे औंधे मुंह जमीन पर गिर गए। इसके बाद एक के बाद एक कई माओवादियों ने खंजर से 78 से अधिक वार उनके शरीर पर किए। हालांकि महेंद्र कर्मा इन वार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। ऐसा लगता है कि गोली लगने से वो पहले ही निढाल हो चुके थे। 25 मई की शाम जब बिखरे पड़े थे कई शरीर, जब बाहर निकल आए कई घायल, और फिर हमने आपको दिखाया कि कैसे सांझ ढलते ढलते सड़क में चारों तरफ कई शरीर बिखरे पड़े थे। हमारे पहुंचते ही कई ऐसे लोग जो बंधक थे, घायल थे, बाहर निकल कर आए और हमसे बातचीत करने लगे। हमने घायलों की मदद की, पानी पिलाया, पट्टी बांधी और सबको सुरक्षित बाहर लेकर निकलने लगे ताकि समय रहते लोगों को इलाज मिल पाए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो और वे सुरक्षित जैम्बू से बाहर निकल सकें। देर शाम तक ये पता चल गया था कि नक्सलियों के इस हमले में कई बड़े नेताओं की मौत हो चुकी है और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लेकिन देर रात सबसे मुश्किल ये थी कि नंद कुमार पटेल और उनके बेटे के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। माओवादियों ने कई लोगों को रिहा किया था जिसमें नंद कुमार पटेल के साथ मौजूद वर्तमान मंत्री कवासी लखमा भी शामिल थे। उनके सुरक्षा गार्ड के साथ ये दोनों लोग मौके से बाहर निकल चुके थे। लेकिन अगली सुबह 26 मई को सबसे पहले हमने आपको इसी जगह का नज़ारा दिखाया जहां से वो सबसे दुखद खबर निकल कर आई कि कैसे बेरहमी से नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल की माओवादियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। ये वो हत्याकांड था जिसने इस झीरम हमले को राजनीतिक षड्यंत्र का स्वरूप देना शुरू किया। घटना को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा चूक को लेकर था। 25 और 26 मई को माओवादियों का बंद था। ऐसे में सवाल उठ रहा था कि पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नेताओं के काफिले के लिए क्यों नहीं किए गए, क्योंकि घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई थी। इसीलिए ये भी सवाल उठ रहा था कि लोकल इंटेलिजेंस को आखिर माओवादियों की इतनी बड़ी तैयारी की भनक कैसे नहीं लगी। आखिर क्यों हुई इतनी बड़ी वारदात? नक्सलियों ने जारी किया पत्र, और फिर हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि माओवादियों ने आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया। इसे लेकर माओवादियों के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता गुटसा उसेंडी ने पत्र जारी करते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली। इस पत्र में बताया गया था कि इस हमले के पीछे प्रमुख रूप से माओवादियों के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने वाले महेंद्र कर्मा उनका टारगेट थे। यही नहीं, नंद कुमार पटेल को लेकर सदी हुई भाषा में ये वजह बताने की कोशिश की गई थी कि क्योंकि नंद कुमार पटेल के ज़माने में कभी पहली बार बस्तर में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हुई थी, इसीलिए इस हमले में उनकी भी हत्या की गई। लेकिन उनकी बेटे की इतनी निर्मम हत्या क्यों की गई, इस सवाल का जवाब इस पत्र में नहीं था। बाद में भी माओवादियों ने कई पत्र जारी किए, लेकिन इन पत्रों में भी ठीक वजह का खुलासा नहीं हो पाया। बड़ी वारदात का सबसे उलझा मामला, बंधक बनाने के बाद भी क्यों हुई बेरहमी से हत्या, जब वॉकी टॉकी से मिला संदेश, और फिर इस हमले में मारे गए लोगों में सबसे उलझा हुआ मामला नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल की हत्या का है। आमतौर पर बंधक बनाने के बाद माओवादी किसी की हत्या नहीं करते, और वो भी खास तौर पर किसी राजनीतिक नेतृत्व की। ऐसे में माओवादियों ने अचानक बंधक बनाने के बाद इन लोगों की बेरहमी से हत्या क्यों की, ये सवाल उलझा हुआ है। ये भी पता चला कि मौके पर
जो माओवादी थे वे बार बार वॉकी टॉकी से किसी और से निर्देश लेकर एक एक कर घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और वॉकी टॉकी के जरिए दिनेश पटेल और नंद कुमार पटेल के पकड़े जाने की जानकारी भी माओवादियों ने कथित तौर पर सीनियर नेता को दी। उसके बाद इनकी हत्या की गई। यही वजह है कि आज भी इस पूरे घटनाक्रम के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र को वजह माना जाता है। चुनाव से ठीक पहले हुआ हमला और उठने लगी साजिश की बातें। झीरम कांड के 9 साल अब भी अनसुलझे हैं कई सवाल। क्योंकि हमला चुनाव से ठीक पहले किया गया था और एक खास दल के नेताओं को टारगेट किया गया था, इसीलिए इस पूरे हमले के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र की बातें उठना स्वाभाविक थीं। और आज भी ऐसे कई अहम सवाल उलझे हुए हैं जिनको लेकर अब भी ये प्रश्न बार बार उठता है कि आखिर माओवादियों ने बंधक बनाए गए लोगों को क्यों मारा और क्यों बेरहमी से उनकी हत्या की। माओवादियों की तरफ से भी अब तक इस बात का ठीक तरीके से खुलासा नहीं किया गया है, ना तो NIA की जांच रिपोर्ट में इस बात का पूरा खुलासा हुआ है। यही वजह है कि कांग्रेस अलग से इस पूरे मामले की जांच कराने की बात कह रही है।